तो दिल्ली के लोग, खासकर अभिभावक और छात्र, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से दुखी हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के कारण मनीष सिसोदिया को बीजेपी टारगेट कर रही है। हिंदी खबर की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा ने दिल्ली के कई अभिभावकों और छात्रों के घर जाकर मनीष सिसोदिया को लेकर उनकी राय जानी है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के लोगों का भारी समर्थन। शिक्षा में बदलाव से अभिभावक हुए उनके मुरीद। रेड और लुकआउट नोटिस को लोग मानते हैं बदले की कार्रवाई। अच्छा काम रोकने के लिए बीजेपी और केंद्र पर जताई नाराजगी। साउथ दिल्ली का ये एक इलाका है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जो लोग हैं, अभिभावक हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन अभिभावकों से ये बात करना चाहेंगे और पहले हम उनके घर में जाना चाहेंगे और आपको उनके घर की क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से जो कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में दिल्ली के छात्रों के लिए क्या काम किया है और किस तरीके से अभी भावक जो हैं वो इस सारी चीज़ों को देखते हैं, तो हम अभिभावकों से ही बात करने की कोशिश करेंगे और छात्रों से भी जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है और क्या वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाई गई है दिल्ली में उसमें कितनी हकीकत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर जिस तरीके से सीबीआई ने रेड डाली और फिर लुकआउट नोटिस जारी किया, इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि साल 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाम केजरीवाल होगा, मगर इस बीच मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई से अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। सबसे पहले हिंदी खबर की टीम पहुंची एक मिडिल क्लास परिवार के घर जहां बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। चलते हैं एक ऐसे परिवार के बीच में जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पहले और अब की तुलना में अगर देखा जाए तो वो सरकारी स्कूलों की क्या तस्वीर रहेगी है। क्या अभिभावक और छात्र दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो कि सबसे लोकप्रिय हैं उनके द्वारा शिक्षा में लाई गई क्रांति से खुश हैं या जो सीबीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है उसमें सच्चाई है। देखिए, ये एक परिवार है जहाँ पे अगर आप देखें तो एक बच्चा है जो कि अपनी पढ़ाई को कर रहा है और घर के हालात आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि घर के हालात की क्या स्थिति होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा ऐसे ही वर्ग के लिए काम करके ज़्यादा खुश होती है जिनको कोई नहीं पूछता है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता। और परिवार में सभी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से खुश नजर आए और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई को गलत बताया। परसों सुना तो था और न्यूज में भी आजकल देख रही हूँ, वही फोकस रह रहा है कि जब उन्होंने इतना कुछ किया है तो क्यों उनके खिलाफ इतना किया जा रहा है। आम जनता और एक अभिभावक के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे जो हो रहा है आपको इसमें कितनी सच्चाई लग रही है। जहाँ तक मेरा कहना है इसमें सब कुछ झूठ है। ये सिर्फ जो दिल्ली सरकार के स्कूलों की व्यवस्था पहले क्या थी, आज की डेट में क्या है। 2013-14 में मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल में गया था, उस टाइम पे टूटे डेस्क, दीवारें टूटी हुई, मतलब बिल्डिंग के टीचर्स सोए रहते थे, अपना बंक कर देना क्लास में, स्टाफ रूम में बैठ के कभी मज़े करना क्या करना, सब कुछ उस टाइम पे बहुत बुरा था। और जब से सिसोदिया जी आए हैं एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने हर चीज़ को बदला है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टीचर्स का हो गया, उनकी प्रेजेंस हो गई क्लास में, सीसीटीवी कैमरास लग गए क्लासेस में, पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स, डेस्कस, जो अभी सिर्फ स्कूल्स में पढ़ाई नहीं बाकी सब चीज़ों में भी, स्पोर्ट्स हो गया, कोकुलर एक्टिविटीज़, सब में इतना सब कुछ चेंज हुआ है। पहले कुछ नहीं था लेकिन अब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मूवमेंट देखा गया है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स आते हैं तो वो या तो सोते हैं या गप्पे मारते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, हर एक बच्चे पे पर्टिकुलर फोकस नहीं करते हैं। तुम्हारे स्कूल में ऐसा कुछ है? ऐसा पहले होता था, जब मैं न्यानिया गया था स्कूल में 2014 में, तब ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब नहीं होता है? जी नहीं, टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं और सब सही से होता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनको सिर्फ उसके लिए कि वो अपना हौसला तोड़ दें, एजुकेशन की तरफ ध्यान न दें और जो बच्चे फ्यूचर जिनका ब्राइट हो रहा है, जिनका नाम
फॉरेन कंट्री में हो रहा है, अपने देश में तो छोड़ो। और इनका मॉडल तो बॉम्बे में भी, महाराष्ट्र के भी कुछ एजुकेशन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी सर्वोदय इनका कौटिल्य विद्यालय उसको नंबर वन में कहा था और कहा था कि हमें दिल्ली जैसी ही एजुकेशन नीति लेनी है। और मैं भी यहीं की पढ़ी हूँ, हमारे टाइम पे टाट फटे होते थे और कभी कभी दरी अपने घर से उठा कर लेके जानी होती थी। अच्छा। और टीचर क्या करते थे कि हमारे लिए सलाद बना दो, हमारे लिए वो कर दो। लेकिन अब जब से मनीष जी आए हैं, मनीष सिसोदिया जी के आने के बाद एजुकेशन का एकदम पलटा ही खा गया है। मैं इसके स्कूल में गई हूँ, इनके स्कूल को देख के मन इतना कुछ होता है, पता चलता है कि किस स्कूल में हम घुस रहे। यहाँ से हिंदी खबर की संवाददाता ने एक और मिडिल क्लास घर का रुख किया। चलते हैं दिल्ली के एक और ही ऐसे अभिभावक और बच्चों के घर पर जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और उनका क्या कहना है। हम सीधे घर के अंदर चलेंगे और उन्हीं से बात करने की कोशिश करना चाहेंगे। ऊपर से ही देखने में घर एक आम भारतीय परिवार की तरह लगा। एक और परिवार के बीच में हम पहुंचे हैं और इन अभिभावक से भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप संजोग देखिए कि यहाँ पर भी बच्चा पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी छात्र ही है और ये पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वक्त ही ऐसा है। स्कूल लोगों के खुल चुके हैं, कई स्कूलों में यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, किसी में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में ये परिवार दिल्ली की पढ़ाई से इतना खुश है कि वो मनीष सिसोदिया के साथ हो रहे बर्ताव पर बहुत ही ज्यादा दुखी है। आंसू आ गए थे मेरे, पहली बार सुना था तो, जो सुशील सर ने किया, मेरा बेटा इतना खुश है गवर्नमेंट स्कूल में, बिलीव नहीं करोगे। प्राइवेट स्कूल में बहुत 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 परेशान था, फीस भरने की क्षमता नहीं थी। लास्ट में हो गया स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी बेटी है 5 में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती, सॉरी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, उसको भी मैं चाहता गवर्नमेंट स्कूल में करने के लिए, पर वहाँ भी थोड़ी एडमिशन हो नहीं पाई। नेक्स्ट ईयर में ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि वहाँ हो जाए, ताकि मेरे बच्चे हाँ जी अच्छे से पढ़ सके। सबसे बड़ी बात है मेरा बेटा इतना खुश है प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ करके। बच्चे खुश हैं, लेकिन आप किस बात को लेकर दुखी हो गए थे? अभी आपने बोला मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। नहीं, मतलब जो सिसोदिया सर, मैं पर्सनली मिला नहीं हूँ, पर उनकी स्पीच में स्कूल में जाके सुना हूँ, न्यूज़पेपर में देखता हूँ, टीवी में देखा हूँ, तो जो उन्होंने स्कूल के लिए किया आज तक, मतलब जब से मैं पैदा हुआ 52 ईयर्स का हूँ, तो मैंने देखा नहीं कि कोई गवर्नमेंट ने, कोई ऐसे बंदे ने शिक्षा के बारे में कुछ ऐसा कदम उठाया हो जो उसको सफल इतना तक पहुँचाए, और पता नहीं कहाँ तक सफल करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। नहीं, वो बिल्कुल वैसे नहीं है। कैसे हैं वो? वो उसके बिल्कुल विपरीत है, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए इतना कुछ किया है, बहुत अच्छा काम किया है ये स्कूल खोलकर, क्योंकि इससे मेरा बहुत फायदा हो गया है। सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे और भी जितने भी विद्यालय जिनका सपना है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, या फिर जिंदगी में कुछ बड़ा करना, तो उनके लिए मनीष सिसोदिया जी इतनी मेहनत कर रहे, तो फिर इसके बाद फिर ये मतलब नहीं बनता कि वो सारी बातें गलत है। गलत है, बिल्कुल झूठी है, झूठी है ये, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं, अच्छे घरों के बच्चे भी अब निजी स्कूलों से नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। यहाँ की पढ़ाई किसी हाल में निजी स्कूलों से कम नहीं है। अब मैं पहुंची हूं दिल्ली के नौजीवन कैंप में, और ये दिल्ली के नौजीवन कैंप की ही तस्वीर है। और कुछ और अभिभावकों से, कुछ और बच्चों से भी जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर कैसी क्या और इनकी शिक्षा व्यवस्था है। अंदर की ओर चलते हैं, घर है किसी का तो हम चप्पल को भी उतार लेना चाहेंगे, जिससे किसी के घर में कोई दिक्कत ना आए। परिवार का मानना है कि सच्चाई की जीत होती है और अच्छा काम करने वाले हर परेशानी से बाहर आ जाते हैं। पहले जो स्वास्थ्य मंत्री को आरोप में लगा के उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब शिक्षा मंत्री को कर रहे हैं। जो केजरीवाल जी चाहते हैं कि हमारा वर्ल्ड का पूरा बेस्ट नंबर वन बने देश, तो वो बनने के लिए रुकावटें लगा रहे हैं कि एक हाथ गया है तो दूसरा हाथ भी चला जाए। लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने जो इतना अच्छा काम करे हैं, वो हारेंगे नहीं, सच्चाई की जीत होगी हमेशा। आप लोग साथ हैं? जी जरूर, हम पूरा सपोर्ट करेंगे मनीष सिसोदिया जी को, कि इतना सपोर्ट करेंगे कि आगे जाके उनके साथ खड़े रहे। स्कूल में बहुत सुविधाएं हैं, जैसे पढ़ने की और लिखने की और खेलने की। खेलना बहुत जरूरी है, तुम छोटे बच्चे हो, 5th क्लास में पढ़ रहे हो, और खेलने से मानसिक शारीरिक दोनों विकास होता है। खेल को लेके क्या कहोगे? खेल को लेकर हमारा बहुत अच्छा, वो खेलते हैं, हमारी मैम खिलवाती हैं, सर खिलवाते हैं, और सब खिलवाते हैं हमारे सर मैम।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री कौन है? वो मनीष सिसोदिया जी। मिले हो कभी? हाँ। कितनी बार? एक बार। एक बार कैसे लगे वो? बहुत अच्छे। वहीं कुछ अभिभावकों का कहना है कि जो कुछ 70-75 सालों में नहीं हुआ वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 5 साल में करके दिखाया है। परिवर्तन हुआ है शिक्षा में? परिवर्तन इतना हुआ है कि मेरे ख्याल से 70-75 साल में कभी हुआ नहीं हुआ है, कहीं भी किसी राज्य में नहीं हुआ है। जितना हुआ है दिल्ली जितना राज्य जितना हुआ है, हाँ, कहीं नहीं हुआ है। बाकी किसी राज्य में नहीं हुआ है। 75 साल की बात कर रहे हैं आप, तो जो शिक्षा मंत्री के साथ हो रहा है इन दिनों जी। पता है आपको? हाँ जी। क्या कहेंगे आप? टीचर सुना है मैंने, वो उनको ऐसा ना जो अच्छा काम करता है ना तो लोगों को जो विपक्ष के जो होते हैं जो उनको पसंद नहीं आता है, और खासकर बीजेपी वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। अब वही स्कूल है, इनके एमसीडी के स्कूल है, उनका अभी भी वही हाल है, बुरा हाल है अभी भी। स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। और पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं? जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, आर्ट क्लास और स्पोर्ट्स, सब होती है स्कूल में। सारी चीज़ें होती हैं। कभी मुलाकात हुई है मनीष सिसोदिया जी से? जी हाँ, 3-4 बार हमारे स्कूल में आए हैं और चीफ मिनिस्टर भी हमारे स्कूल में आए हैं। आए हैं, कैसे लगते हैं वो? बहुत अच्छे, जैसे वो शिक्षा मंत्री नहीं आम आदमी की तरह हमारे साथ रहते हैं। दिल्ली के आम लोगों को राजनीति की बहुत समझ नहीं है, मगर वो ये जरूर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और बीजेपी कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रही है। जो इंसान अच्छे काम करता है उन्हें उठा के जेल में डाल देते हैं, हाँ। उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो ये गलत। आपको मनीष सिसोदिया ऐसे हैं? नहीं। कई दिल्ली वासी खुलेआम बीजेपी और केंद्र सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले फंसाया बीजेपी ने सत्यन जैन को, हाँ। वो थे स्वास्थ्य मंत्री, हाँ। पेपर करो फलाना करो, आप फंसा रहे शिक्षा मंत्री को। मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मनीष जी का जब विदेश में कोई आया पेपर के मनीष जी के स्कूल सही है, शिक्षा मंत्री बहुत बढ़िया है, पता बीजेपी क्या चाहती है? उनको झुकाओ, किसको झुकाओ? मनीष झुकाओ, केजरीवाल झुकाओ। आगे क्या है? आगे जो इलेक्शन होने वाले गुजरात में, मैं फाइनल बोल रहा हूँ, 2000 सरकार दिल्ली में और पंजाब में, अब तीसरा कांड कहाँ पे? गुजरात में। ये बना मोदी जी छापा क्यों पड़ा मनीष? क्या आपको एक लिए बताऊँ? जब इन्होंने रात में देखा कि पेपर आ गया विदेश का, हाँ। स्कूल के बच्चों का पेपर, हाँ। कहाँ से आया? दिल्ली से, हाँ। एक फॉरेन कंट्री है जो बच्चों के पेपर छाप रही है। मनीष जी बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। साफ है कि दिल्ली वासी मान रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने काफी अच्छा काम किया है। अच्छा काम करने वालों को जाल बिछा कर फंसाया जा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी और क्या कुछ करती है, और क्या इन सब चीजों के बीच भी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बरकरार रहती है, और दिल्ली पंजाब के बाद क्या गुजरात में आपकी सरकार बनती है, और 2024 में क्या बीजेपी को टक्कर आपकी सरकार देती है? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।